चुनाव प्रचार में गर्माहट आने लगी है। प्रत्याशी सुबह से ही जनसंपर्क के लिए निकल पड़ते हैं और रात भर जनता से जाकर मिल रहे हैं, और जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आती जाएगी चुनाव प्रचार में तेजी आती जाएगी। बता दें कि तीसरे चरण में यूपी की मुरादाबाद, संबल, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, बदायूं और बरेली लोकसभा सीट पर मतदान होगा। ऐसे में चुनाव प्रचार अभियान में तेजी अभी से आने लगी है। आज भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने संबल लोकसभा की संबल विधानसभा के हयातनगर मंडल के सिहोरी, फतेहपुर उत्तमा, अल्लीपुर, चंदायन, सिकंदरपुर, हसनपुर, गोविंदपुर, आलम सराय, मंडी किशनदास सराय, पीला खदाना, चौधरी सराय, लाडम सराय, सराय तरीन, हयातनगर आदि में भिरमड़ व नुक्कड़ बैठक की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने कहा कि अब की बार कमल के फूल पर मोहर लगाकर मुझे जिताओ, तभी संबल में विकास होगा और मोदी बड़े बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सांसद बनने पर मैं सभी का सम्मान पहले की तरह ही करूंगा और करता रहा हूं। मैं आपका सेवक हूं, सांसद आप सब लोग रहेंगे, यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला तो साथ में भेदभाव नहीं करूंगा। एमपी एमएलए बनना आसान है, लेकिन जनता का दिल जीतना बहुत बड़ा काम है। बढ़ चढ़कर विकास कार्य करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब की बार आप सब लोग संबल में कमल खिलाएंगे। तो वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन से, सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्क ने भी ताबड़तोड़ असमोली विधानसभा में पहुंचकर चुनाव प्रचार को और तेज कर दिया है। संबल लोकसभा की असमोली विधानसभा के कई गांव जैसे रायपुर, खिरनी मोहद्दीनपुर, भमोरी पट्टी, गोदन मोहम्मदपुर, गोहत, सिहावली, बागड़पुर इम्मा, नूरपुर, ततारपुर, करछली, रुदायन, नारंगपुर, लदनपुर, अजरा, केली, मिबोरा, लेशी, सोजना, अख्तियारपुर चौबे, शेरपुर और मऊभूर जैसे गांवों का दौरा कर जनता के बीच पहुंचे और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कड़ी आलोचना की। बता दें कि सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्ग का जनता ने बड़े ही गर्मजोशी से फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और कांधे से कांधा मिलाकर चलने का वादा किया। जियाउर रहमान वर्ग ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये दौर फिरका परत ताकतों का दौर है, इसे जड़ से उखाड़ना होगा और हम इन्हें तभी जड़ से उखाड़ सकते हैं जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने 7 मई को साइकिल के निशान पर बटन दबाकर इंडिया गठबंधन को जिताने का लोगों से आह्वान भी किया।